3,000 से 4,000 टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून। मालदीव ने 3,000 से 4,000 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दी, जो कि मालदीव में ज्यादातर इंडियन वर्कर काम करते हैं। उसके बाद 8,000 से 10,000 होटल बुकिंग भी रद्द कर दी। तो आज के इस वीडियो में आप लोग मालदीव से रिलेटेड वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जो कि इस मुद्दे पे पाकिस्तान के पब्लिक क्या आवाम देते हैं, यानी कौन ऐसी बात बोल दी, ये वीडियो क्लिप आप लोग को देखनी चाहिए। तो चलिए आप लोगों को पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो क्लिप दिखाते हैं। उसके पहले दुबई से के तरफ से भी फरमान आया, दुबई के से कौन ऐसी बात बोल दी, इनका बात सुन के आप लोग चौंक जाइएगा। तो दुबई से का भी वीडियो क्लिप आप लोग को देखनी चाहिए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। इस टाइम बायकॉट जो है वो मालदीव चल रहा है, बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं। क्या इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्योंकि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो चाहे मालदीव हो चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता। उसकी वजह एक तो यह है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है, एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा यह है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है, वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज है उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं, तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। अच्छा, तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं, इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपीट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हुआ उसकी रीजन ये है कि मालदीव का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा 3,000 से 4,000 टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव की, 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल, होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है इंडियन। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्रीज यूज होती है। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे देखे दूर दूर से लोग उनको विजिट करने आते हैं, उन्होंने वो एक टूरिज्म का हब बना के रख दिया है। हालांकि उनके पास तो सिर्फ सैरा थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उनको इतना डेवलप कर दिया कि लोग वहाँ पे आते हैं। अब अगर ये देखें ये जो उनसे मालदीव है उन्होंने जिस तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट थी वो वापस ही ली ऑलमोस्ट के भाई हम वापस लेते हैं ये स्टेटमेंट, जो उन्होंने क्या कहना चाहेंगे सस्पेंड कर दिया, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहां पे भी मसाइल बन रहे हैं वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखेंगे देखिए अभी हमें तो इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अभी कभी डिफॉल्ट कर जाते हैं, कभी हम ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कभी हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, वो तो ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह के स्टेप ना भी ले तो उनका गुजारा होता है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं है जब तक हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे। अब ये मजहब को लेकर चलते रहेंगे कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, तो मैंने इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, इसके साथ नहीं, तो आप इस तरह कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसके अंदर सब लोगों का, हर मजहब के लोगों का हाथ होता है, ठीक है। हम तो रिलीजियस टूरिज्म से ही देखें, अगर मैं ये कहूँ कि भाई बलोचिस्तान में जो हिंगलाज माता मंदिर है अगर वहाँ पे हम प्रॉपर जो टूरिस्ट जो इंडिया से बोल लोग कमेंट करते हैं कि भाई अगर आप हमें परमिशन दो तो आता बलोचिस्तान का इशू तो हम आपके टूरिज्म वीजा जो आएंगे और उसके थ्रू हम हल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, अब आप देख लेना चाहते हैं दुबई देख लें, स्विट्जरलैंड देख लें, थाईलैंड देख लें, श्रीलंका देख लें और मालदीव देख लें, ये 5 बड़े बड़े जो मुल्क है ये सब टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है, उनके तो लोगों की तादाद ही इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहां पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर
दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। वो लोग बिजनेस भी उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में खराब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ व्हाटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा, देखो मालदीप हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जांपल, फिर चाइना आ गई, कनाडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की, और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग वैसे हैं, तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। जब से मोदी आया है उसने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। कि वो पीएम के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो। तो रही बात मालदीव की, तो वो इसलिए टेंशन में है कि उनकी जो इंडिया से उनका जीडीपी, जो उनकी ग्रोथ होती, टूरिज्म जाते हैं वहाँ पे, तो उनको एक डर हो गया कि मालदीव को छोड़ के ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर बात है पीएम ने इसीलिए तो वहाँ पे फोटो सेशन करवाया ना, कि हमारे इंडियंस को पता चले। और वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह, मेरे प्यारे भाई लोग एक बात यार ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्योंकि अभी कितना आदमी लोग को हम पकड़ा और हम इन लोगों के साथ बात किया और लोग वही बात बोलते हैं और हम सच बोलेगा। अगर हम ये अब मालूम है सच में दर्द भी होते हैं, लेकिन तुम लोग हमसे नफरत करेगा या प्यार करेगा अब लोग का मर्जी है। अभी हम बोला एक आदमी को तुम्हारा पास क्या वीजा है, बोला खली बोलिया, बोला कौन दिया, बोला एक पाकिस्तानी दिया, और वो भी पाकिस्तानी है, दोनों पाकिस्तानी। अच्छा एक इंडियन को पकड़ा, बोला क्या वीजा है, बोला खली बोली, तुमको कौन दिया, बोला इंडियन दिया। एक बंगाली को सेम बोला, तुमको कौन दिया, बोला एक बंगाली दिया। जो उन लोग खुद तुम लोग का मुल्क को तुम लोग को बर्बाद करते हैं, तुम लोग क्यों उन लोग का यकीन करते हैं? तुम लोग समझा इन लोग खलास तुम लोग का जैसा है तो तुम लोग को धोखा नहीं देगा? बाबा ये पैसा है, तुम लोग को धोखा देगा, लोग धोखा देगा। तो प्लीज मेरा भाई लोग, तुम लोग आराम से अच्छे से अकल से सोचो, ये कौन है, क्या है, क्यों तुम लोग पैसा देते, खुद को बर्बाद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मां कसम खाते कि पूरा दुनिया बर्बाद है विजिट वीजा से, तुम लोग बचो। कसम से जब हम देखते हैं तुम लोग रोता है ये बारे में, हम नहीं मालूम क्या करेगा आप लोग के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।